सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में आरटीओ अनीता सिंह, एआरटीओ श्याम लाल, प्रभारी एसपी ट्रैफिक अख्तियार अहमद अंसारी, गोरखनाथ पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष जी के द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर को गीडा में शिफ्ट किए जाने, सिटी बस का संचालन नौसर बस स्टेशन से हटाकर शहर के भीतर किए जाने, स्कूलों बसों में बंद मैजिक वाहनों को शामिल किए जाने, सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी अनिता सिंह ने कहा, अनुरोध करना देखिए स्थिति का है। हम लोग आप लोग भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है, आप जो सेवा दे रहे हो उसको भी बहुत जरूरत है स्थिति में, इसलिए तो आप लोग भी है और सिटी जनता भी चाहते हैं आप लोग का सेवा और भी विस्तारीकरण कर रहे बढ़ते जाए। बट उसमें क्या है, हम लोग इम्पोर्टेंट समस्या जो ट्रैफिक जैम का समस्या और बाकी जो लाल दान के इशू ध्यान देना पड़ता है, महिला सुरक्षा का ध्यान देना पड़ता है, बाकी मुद्दा भी जुड़ जाता है जो कहाँ कहाँ आपका जैसे जो ग्राहक जाते हैं उसी के साथ साथ तमाम समस्या फिर साथ ही आ जाता है, उसी का भी हल करना पड़ता है। तो इसलिए तो हम लोग विचार किए थे आपका जरूरी है, इसलिए जो आप लोग का भी जो ड्राइवर कंडक्टर का जो शौचालय हो और आप लोग का बस भी कायदे से खड़ा करने के लिए जगह हो और आपके ग्राहक भी आएंगे तो उसका छाया की व्यवस्था हो, मैं चाहता हूँ। और राज्य में है, अब उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लग रहा है यहाँ है, तो वैसे मैं तमिलनाडु प्लान करता हूँ, तमिलनाडु में प्राइवेट का बस स्टेशन हर जगह है। यहाँ भी है बलिया, बहुत अच्छा बना है प्राइवेट बस स्टेशन। कुछ आप लोग भी कानून करते ताकि हमेशा के लिए हो जाता है, ताकि ये देखिए फिर ये देखिए आप लोग लीगल चैनल में जी सर, बहुत लोग इलीगल तरीके चलाते हैं, टेम्पररी चलाते हैं, मान लीजिए त्योहार के लिए भाई चलो उसी टाइम पर दो कटारा बस ले लिया फिर चल दिया बस पैसा ले लिया, तो एक दिन दो दिन के लिए चल जाता है। बट आपके लिए यदि ताकि सरकार के पास उतने साधन संसाधन नहीं है जो अपने फ्लीट साइज बढ़ाने के लिए, पूरे प्रदेश में मैं परिवहन विभाग में भी रहा हूँ उसलिए तो मेरा भी चकाचक पूरा नॉलेज है। यहाँ तो पूरे प्रदेश में 23 करोड़ आबादी है बट केवल मुश्किल से 10,000 बस है सारे आंध्रप्रदेश सारे मिलके परिवहन विभाग के पास, परिवहन विभाग का इतनी क्षमता नहीं देने के लिए। आंध्र प्रदेश में देखेंगे आंध्र प्रदेश सबसे 50,000 बस है उनके पास, वो केवल 7 करोड़ जनसंख्या में, आप तुलना कर सकते हैं कितने का डिमांड है। इसलिए तो आपका सेक्टर में बहुत सारे गैप है, खासतौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आपका बिना सहयोग का सेवा भी नहीं हो पाए। मैं चाहता हूँ आप लोग मतलब थोड़ा डिसेंटली अच्छा खासा जगह आप लोग भी मौजूद रहे हमेशा के लिए रहे बढ़ती जाए उस पर, और रहता है तो टेम्पररी बस से 1-2 साल चला करके खत्म कर लेंगे ठीक है। जैसे सर चंपारण पार्क भी नजदीक में ना वो जगह देंगे आपको लेकिन आपको जैसे बलिया का मैं बता रही हूँ, मैं उधर रह चुकी हूँ लखीमपुर में, उन्होंने अपने आप में ही एसोसिएशन के पैसे से बहुत अच्छा बस अड्डा बनाया है और रेगुलेशन ऑफ व्हीकल इतनी बढ़िया है कि एक सेकंड की देरी भी नहीं होती है और सारी चीजें वहाँ का एसोसिएशन ही मेंटेन करता है। तो सर तो जगह दे देंगे आपको लेकिन उस चीज को मेंटेन करना और शौचालय का निर्माण करना, टेबल लगाना, ये सारी ना इस पे देखिए 2-3 इशू होता है, मैं चर्चा करना है। देखिए यहाँ तो सिटी बस पे थी दूसरा रोड, तो यहाँ जो आपका जो पंडलीगंज की ना उधर से जो बाहर से जो आने वाले पंडलीगंज से बेलीपा है, पंडलीगंज से बेलीपा हाँ होते हुए इधर आएंगे पंडलीगंज से हर नहीं रूट ठीक है जी, और ये गोरखपुर से मगध और जैसे हमने खरीदी और हमें बस में लगा स्कूल में लगा दी तो वो 10 इयर्स के लिए बंद वाड़ी की रहती है चारों तरफ से चुनी गई है जो इसका पालन करने के लिए उत्तर भारत सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी यहाँ रोज शक्ति करके जनपद में चेकिंग की जाती है सर,
उसमें सीट बेल्ट हेलमेट और सीट बेल्ट हेलमेट के लिए तो सर हमारी बोर्डिंग है, रेस एंड नेगलिजेंस डाइविंग है और उसमें लाइसेंस जो है निरस्त करने का भी प्रावधान है। तो इस पर भी जो है हमारे यहाँ से ड्रंकन ड्राइविंग पे भी चलान भी साफ हुए हैं। आप लोग जो इस पे कितने बिना हेलमेट वाले सारे चीज वो उसी पे आप लोग कैमरा से भी कैद कर सकते हैं, फोटो से देख सकते हैं। यहाँ से सर एक आदेश है इनका सर हमने चेक भिजवा दे रखे हैं, सूची आ नहीं रही। इसमें दो तीन मैटर थे जो हम लोगों को डीएम साहब से डिस्कस करने थे। उसमें पहला ही था हम लोगों का कि जो सिटी बसेज हम लोगों की चलती हैं हमारे विभाग की तरफ से सिटी के लिए, सिटी में की जनता को सुविधा देने के लिए, तो उनका जो है स्टॉपेज नौसड़ कर दिया गया था, जिससे सिटी बस वाले ये कह रहे थे कि उनको जो है चूँकि सिटी परमिट दिया गया है और उनको सिटी में ही रहना चाहिए, नौसड़ थोड़ा सिटी से बाहर हो जाता है, जो जनता को जैसे अंदर आना है सिटी में तो फिर वो नौसड़ जाए, फिर नौसड़ से फिर वो ऑटो रिक्शा या ये सब पकड़ के आ जाए अंदर, तो उनको बहुत असुविधा की हो रहा था। तो वो स्टॉपेज का वो कह रहे थे कि उसका निर्धारण कर दिया जाए, तो डीएम साहब ने इस चीज़ का निर्धारण कर दिया है कि अभी आने वाले समय में 3-4 जो चिन्हित जगह हैं जिनमें हम बस स्टैंड दे सकते हैं वो उसमें कोई एक जगह सिटी बसेस को दे दिया जाएगा ताकि वो अपने बसों का वहाँ पर स्टॉपेज करा सकें। और दूसरा हम लोगों ने ये मैटर उठाया था कि ट्रांसपोर्ट नगर को गीडा में शिफ्ट करने के लिए, जिसमें से कुछ लोग तो शिफ्ट हो गए थे बट कुछ ट्रांसपोर्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी गीडा में अपने आप को शिफ्ट नहीं किए हैं, इसकी वजह से बड़ा कंजेशन और उनकी गाड़ियों की वजह से बड़ा जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो डीएम साहब ने ट्रैफिक और परिवहन विभाग को और पुलिस को ये निर्देशित किया गया है कि आप एक अच्छे से टीम बना के समिति बना के और इनको जो है इनकी दुकानों को सील करके अग्रिम कार्रवाई करें। मैं स्कूल बसों को लेकर के जो बात हो रही थी, स्कूल बसों को लेकर स्कूल बसें चूँकि अभी संचालित नहीं हो रही हैं, उसमें अभी नया रूल ये आया है कि एक आप स्कूल बसों के अलावा आप मैजिक गाड़ियाँ जो बंद बॉडी की हों और हार्ड रूफ टॉप हो और उनकी विंडोज़ वगैरह क्लोज हों, ऐसी गाड़ियों को हम परमिट दे सकते हैं स्कूल बस में चलाने के लिए, जिससे बच्चों की सुरक्षा भी सुरक्षित रहे, तो उनको अलाउ किया गया है। तो इस प्रस्ताव को डीएम साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है।